हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एंड्रॉइड गेमर ब्रो चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 3DS एमुलेटर की डिस्क्रिप्टेड यानी कि डिक्रिप्टेड गेम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यार दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको अपना नेट ऑन कर लेना है, ठीक है, और दूसरा आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम आपको पता होगा, क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करके आप ओपन कर लेने से गूगल पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, पर आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। आपको क्या करना है, आपको कौन सी गेम चाहिए वो कर सकते हैं। वैसे आप सर्च करेंगे आसानी से 3DS एमुलेटर रोम, ठीक है, आप ऐसे सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पोर्टल रोम्स पे जाना है। दोस्तों थोड़ा हार्ड है लेकिन आपको ध्यान से करना होगा, और बिल्कुल ध्यान से करना है दोस्तों वरना आपकी MB वेस्ट हो सकती है, ठीक है। आप पोर्टल रोम पे आ जाएंगे, ये सबसे टॉप पे आ रही है वेबसाइट, बढ़िया एकदम, और मैंने इससे काफ़ी गेम डाउनलोड भी करी है। तो आप कोई भी गेम कर सकते हैं डाउनलोड, जैसे कि मेरे पास जो गेम रखी है मैं उसे आपको दिखला देता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। कोई भी गेम कर सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि डिक्रिप्टेड करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं गेम ढूंढ लेता हूँ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये रही हमारी रेमन 3D, ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये काम MB में भी है और डिक्रिप्टेड फॉर क्रेटा लिखा हुआ, ये देखिए ध्यान से देखिए एकदम दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड यूरोप डिक्रिप्टेड फॉर द सीट्रा एमुलेटर। कुछ दोस्त बोलते हैं कि भाई ये तो डिक्रिप्टेड है क्रेटा एमुलेटर के लिए, मतलब सीट्रा एमुलेटर के लिए, PC के लिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एंड्रॉयड में भी चलती है। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ये कुछ मिलेगा, इसे ओके कर देना है दोस्तों। ओके करना जरूरी है वरना बहुत से लोग ओके नहीं करते, ठीक है, ओके करना जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़ी एड आ रही है, देखिए आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 86 मिनट के लिए वेट करना है। तो बस थोड़े से ही टाइम बचा है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक दिखेगा, ये डाउनलोड का बटन, इसी पे क्लिक करना है आपको, और कहीं क्लिक नहीं करना। अब आपके एकदम क्लिक करते ही कुछ डाउनलोड हो जाएगा। आप सोचेंगे इतनी जल्दी कैसे डाउनलोड हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर टोरेंट लिखा है, टोरेंट। तो आपको ये टोरेंट लिंक यूज़ कैसे करना है मैं बता दूँ। ये टोरेंट लिंक आपको यूज़ करना है टोरेंट ऐप पर, ठीक है। तो आपको टोरेंट ऐप डाउनलोड कर लेना है, बढ़िया ऐप बताऊंगा दोस्तों मैं आपको जो एकदम 100% वर्क करेगा। आपको करना है टोरेंट लिख दो पहले तो आप, ठीक है, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, छोड़ गया। तो टोरेंट ये वाला नहीं करना आपको डाउनलोड, फ्लूड, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट भी पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको डाउनलोड कर लेना है टोरेंट लिक्विड फ्लूड टोरेंट। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर आपको कोई और सा डाउनलोड करना है और आप कोई और सा डाउनलोड कर सकते हो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये बस मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैंने इससे बहुत गेम डाउनलोड करी है, तो ये बढ़िया वर्क करता है। और दोस्तों आपकी गेम डाउनलोड होने के बाद आप नेट बंद करना मत भूलना, वरना ये सेंडिंग करने लगता है, मतलब दूसरे को गेम पहुँचाने लगता है। तो आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, कुछ दिक्कत हो सकती, मतलब MB ख़त्म हो सकती है आपकी थोड़ी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा, ये इसे ऑन कर लेना है। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात ये है, आपका ये हो गया है डाउनलोड। ओह नो, चलो यार मैंने गलती से ओके कर दिया उसे, देखते हैं, बहुत नहीं होता। जो मैंने आपको बताने वाला था ध्यान देने वाली बात, वो ध्यान देने वाली बात चली गई है। तो आपको अब चले आना है जहाँ पर आपने टोरेंट लिंक डाउनलोड करा है, प्लेस पर क्लिक करके। अब यहाँ पर आपका टोरेंट लिंक होगा डाउनलोड हुआ हुआ, जैसे कि डाउनलोड करा था, यहीं कहीं होगा दोस्तों, ये रहा। तो ये रहा हमारा टोरेंट लिंक, लेकिन ये वाला नहीं है, ये न्यू सुपर मारियो का है, वो था 3D, हाँ ये रहा रेमन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करा हमने। अब ये कुछ आपको बताएगा कि कितनी फाइलें हैं, डिटेल बताएगा। आप ये जो ऊपर प्लस छपा हुआ है इस पर क्लिक करना है आपको, और ये आपका डाउनलोड होने लगी, ठीक है, ये डाउनलोड होने लगी आपकी। अब आपको ये डाउनलोड कर लेना है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, रिमूव टोरेंट, ठीक है। तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया है क्योंकि ये तो मेरे पास रखी है,
अब आप अपना नेट बंद कर लेना जैसे कि मैं कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है रेयर एक्सप्लोजर या फिर आप जो भी अपने पास एक्सप्लोजर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं जो कन्वर्ट करता है गेमों को, ठीक है। अब आपने जो गेम डाउनलोड करी है वो डाउनलोड फोल्डर में गई होगी, तो आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर वो गेम मिल जाएगी, कहाँ है शायद वो यूजी डाउनलोड में चली गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इसे फोल्डर में डाल दिया होगा। तो ये रही हमारी डिक्रिप्टेड, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, चिपके पहले डिक्रिप्टेड लिखा है और इसके अंदर भी डिक्रिप्टेड लिखा है। तो दोस्तों मेरा विश्वास करिए, आप ऐसी ही डाउनलोड करके चलाना, आपकी MB वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपके पास 2 GB रैम से ऊपर का डिवाइस है तो दोस्तों आपकी गेम तो मतलब दिखाने लायक ही चलेगी। मतलब समझ लो यार, मेरी वीडियो नहीं दिखी क्या आपने? पहली मेरी वीडियो देखी जाके जो मैंने 3DS एमुलेटर की गेम चला के दिखलाई है, मैंने रैम 3DS ही चला के दिखलाई है 3D, और वो 3 GB रैम के डिवाइस में दिखलाई है, वो बस नाम के लिए प्ले हो रही है। अगर आपके पास भी 3 GB रैम का डिवाइस है तो बिल्कुल मत प्ले करिए, अगर आपके पास 4 GB रैम का डिवाइस है तो भी मत प्ले करिए भाइयों। आपके पास होना चाहिए 6 GB रैम या फिर 8 GB रैम का डिवाइस, और प्रोसेसर भी हाई होना चाहिए। इस 3DS एमुलेटर को अभी भूल जाइए अगर आपके पास फ़ोन नहीं है ठीक सा, ठीक है। तो कुछ डॉल्फ एमुलेटर की गेम है जो मैंने जिसके ऊपर गेम प्ले बनाया है, जो हमारे फ़ोन में चल सकती है 2 GB रैम में, 3 GB रैम में, 4 GB रैम में, मैंने वीडियो बना के रख रखी है यार, आप जाके देखते क्यों नहीं हो यार, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ बाय बाय।